Redmi Note 5 Pro के लिए अरिजीत साहा की तरफ से MIUI का माइंड एडिशन का एक बिल्ड आया हुआ है 13.0.9 स्पेशल स्टेबल। तो इसके अंदर हमें क्या कुछ मिलता है और बैटरी बैकअप कैसी है, स्कोर्स कैसे मिल जाते हैं, इंटूड स्कोर या फिर बाकी के जैसे Geekbench है या फिर CPU थ्रोटल हो गया, उन सभी के बारे में ही हम बात करेंगे। और इंस्टॉलेशन तो आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, हालांकि इसको एक बार फोर्स रिबूट भी आपको कर देना होगा जो कि आगे मैं आपको समझा दूंगा। AOD भी इसके अंदर मिलता है, इन सभी की चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले ऊपर ही हमें माइंड सेटिंग्स मिल जाती है, हालांकि यहाँ पे मेंटेनर नेम अपडेट ग्रुप या चैनल ये सब आपको मिल जाता है। यहीं पे जो है डिसेबल ब्लर भी मिल जाता है कंट्रोल सेंटर के लिए। माई डिवाइस के अंदर में आपको माइंड एक्सपीस मिल जाता है, हालांकि माइंड एडिशन का जो है 13.0.9 है स्पेशल स्टेबल जैसे कि यहाँ पे मिलने वाला। और ये स्पेक्स है इनको इग्नोर माना, क्योंकि यहाँ पर जो है iOS का ही यहाँ पर डाला हुआ है बायोनिक चिप्स, आप देख सकते हो यहाँ पर ये सब जो है 16,000 mAh की बैटरी, तो इसे अभी इग्नोर मानना, ऐसे ही डाले हुए फेक। बाकी जो यहाँ पे सिक्योरिटी पैच है आपको अगस्त 2022 की मिल जाती है। और अगर हम बात करें कर्नल की तो कर्नल डीगल का वर्जन 13 है जो कि ओवरक्लॉक्ड है, OC कर्नल देखने को मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कनेक्शन एंड शेयरिंग के बारे में तो कास्ट का बग रहता है। और वॉलपेपर इंपर्सोनेशन के अंदर में आपको जो है यहाँ पे वॉलपेपर मिल जाते हैं और सुपर वॉलपेपर भी है, तो इग्नोर ही माना उसको। तो बाकी यहाँ पे कुछ माइंड एडिशन के जो है वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं। और फिर नीचे अगर आप आते हो तो यहाँ पे थीम्स मिल जाएगा, जिसमें आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे थीम को, और जो थीम स्टोर है चाइनीज़ में ही देखने को मिलने वाला है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं इसके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉकिंग के अंदर में। तो जो ऑलवेज ऑन इसके अंदर में दिया गया है ये बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है, हालाँकि प्रॉपर हमेशा यूज़ मत करना क्योंकि बैटरी भी इससे ज़्यादा आपकी ड्रेन होगी। तो यहाँ पर जो है आप इसे हो सके तो कम ही यूज़ करें। तो यहाँ पर जो है इसे आपका ये काम करता है, काम करने की अगर बात करें तो काम बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहा है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, वर्किंग रहने वाला है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और यहाँ पे फिर नोटिफिकेशन इफेक्ट हो गया सब तो आपको मिलता है, डबल टैप टू बैक काम कर रहा है। और चार्जिंग एनिमेशन भी मिल जाएगा, पॉकेट मोड ये सब भी दिया गया है। वहीं डिस्प्ले के अंदर आते हैं तो डिस्प्ले के अंदर में आपका रीडिंग मोड, कलर स्कीम दोनों काम कर रहा है, रिफ्रेश रेट हमारे बिल्कुल काम का नहीं है और रोटेशन भी काम करता है। फिर यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन हो गया, जिसके अंदर आपका यहाँ पे जो साउंड इफेक्ट दिया गया है ये बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है, इसका एक बग देखने को मिल जाता है। नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में आप स्टाइल्स चेंज कर सकते हो, कंट्रोल सेंटर की साइड चेंज कर सकते हो, ये सब मिल जाएगा। स्टेटस बार के अंदर कनेक्शन स्पीड आप चाहो तो यहाँ से इनेबल कर सकते हो, तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा। बाकी फिर होम स्क्रीन हो गया, तो होम स्क्रीन के अंदर सिस्टम नेविगेशन मिल जाता है जो कि ये भी आपका अच्छे से काम कर जाता है। यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हो जो एनिमेशन है यहाँ पर काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिल जाते हैं। हाँ, स्विच करने पर थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है और स्टार्टिंग में हल्का लैग होगा, उसके बाद जो है अच्छे से काम करने लग जाता है। तो आप यहाँ पे बटन भी अच्छे से यूज़ कर सकते हो और साथ ही साथ जेस्चर को भी अच्छे तरीके से यूज़ कर पाओगे। जेस्चर में साइड में स्वाइप अप गूगल असिस्टेंट भी दिया गया कॉर्नर से, अलग काम नहीं करता। बाकी यहाँ पे सर्च बार आप चेंज कर पाओगे इसके अंदर में, ये भी आपका काम कर रहा है। डबल टैप टू स्लीप भी है, एनिमेशन स्पीड भी कंट्रोल कर पाओगे। और वैसे जो यहाँ पे जो लॉन्चर की पूरी सेटिंग मिलती है, एनिमेशन को हो गया या फिर रिसेंट कॉर्नर रेडियस हो गया, ये सब पिछला जो माइंड का किया था उसमें भी आपको सारी सेटिंग दिखाया था, वही सेम टू सेम सेटिंग्स मिल जाती है। यहाँ पे कुछ भी आपको चेंज नहीं मिलता, जो कि कलर्स टाइल्स पे कलर कर सकते हो, ये सब चीज़ें आपको मिल जाती है इसके अंदर में। तो वही सेम चीज़ें आपको बिल्कुल सेम मिलने वाली है यहाँ पे। बाउंस फोल्डर इफेक्ट जो है आप डाल सकते हो, बाउंस इफेक्ट फोल्डर पे ये सब मिलता है। तो आप अगर कोई भी सेटिंग्स में यहाँ पे करते हो कुछ भी, तो एक बार रिबूट लॉन्चर कर दोगे तो सभी जो है अप्लाई हो जाते हैं, तो यहाँ से आप कर पाओगे। बाकी अरेंज आइटम रिसेंट भी आपको मिल जाता है, स्टाइल्स चेंज कर पाओगे। साथ साथ यहाँ पे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली के लिए भी दिया गया है जो कि पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप पर आपके काम करेगा। रेडियस वो सब कंट्रोल कर पाओगे आप, तो सब भी आपको यहाँ पे मिल जाता है इसके लॉन्चर के अंदर में। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर वैसे आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि फिंगरप्रिंट फेस लॉक दोनों अच्छे से काम करता है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन आपको जरूर यहाँ पे ओल्ड मिलता है। और बैटरी के अंदर में यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से UI है, बैटरी थोड़ी बहुत आपको अच्छी मिल जाती, पहले से इंप्रूव हो गया है। लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ी और ज़्यादा ही अच्छी बैटरी चाहिए तो फिर आपको नॉन OC करना पड़ेगा। बाकी ऐप्स के अंदर में डुअल ऐप लुक ये दोनों काम कर जाएंगे। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर लैंग्वेज आपको दिखा देता हूँ, जैसे लैंग्वेज तो आपको काफ़ी इसके अंदर मिल जाती है, इंडोनेशियन लैंग्वेज भी अवेलेबल है।
बट इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे जब स्क्रॉल करता हूँ तो कभी कभार जो है फ्रीज हो जाता है, तो यहाँ पे एक फ्रीजिंग इशू देखने को मिलता है, फिर आपका जो है यहाँ पे स्टॉप के लिए आ जाएगा, तो ये आप देख सकते हो फ्रीज हुआ है, तो एक दिक्कत यहाँ पे देखने को मिली। हालांकि ये आपका स्क्रॉल वाला जो है ब्राउज़र या बाकी जगह पर ऐसा दिक्कत नहीं देता, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं देता, सिर्फ यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रहा था, यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम एक मिलती है। यहाँ पर लैंग्वेज आपको यहाँ पर ग्लोबल टाइप से ही देखने को मिल जाती, जैसे कि ग्लोबल रोम पर हमें देखने को मिलती है, सभी ऑल लैंग्वेज अवेलेबल रहती है उसी तरीके से है, तो ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा फ्रीजिंग इशू मिलता है इसके लैंग्वेज में। बाकी रीजन आप चेंज कर सकते हो, एंड यहाँ पे एलईडी लाइट काम कर जाता है आपका, बाकी डेवलपर ऑप्शन तो मैं इनेबल किया तो आप कर लेना। बाकी स्क्रीन टाइम मिल जाएगा यहाँ पे, जो कि ये भी अच्छे से काम कर रहा है, और इसके जस्ट बाहर में आपको नीचे स्पेशल फीचर है जिसमें साइड बार देखने को मिल जाता है। साइड बार भी थोड़ा ओल्ड है, यानी कि आप होल्ड करके ड्रैग नहीं कर सकते, जो कि लेटेस्ट में हम कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपका फ्रंट कैमरा असिस्टेंट ये सब काम करनी, बाकी सेकंड स्पेस मिल जाएगा, लाइट मोड है, और फिर बाहर में एमआई अकाउंट, गूगल अकाउंट, अकाउंटेंसिंग ये सब आपको मिलता है। ऐप बोल्ट इसके अंदर कुछ इस तरीके से मिल जाता है। हालांकि जो होम स्क्रीन में आपको विजेट्स मिलते हैं, इसमें आपको लेटेस्ट विजेट्स देखने को मिल जाते हैं, तो आप यहां से आराम से ऐड कर सकते हो। साथ ही साथ अब जो कंट्रोल सेंटर है कुछ इस तरीके से मिल जाता है, और इसमें भी एनिमेशन आपको अच्छा ही मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट काम करता है, और इसके अंदर भी आपको वायर्ड पार्ट्स देखने को मिल जाता है, तो उसके अंदर से आप जो है उसे आप यहाँ पे वायर्ड पार्ट्स के अंदर से आप आराम से यहाँ पे जो आपका एम आई साउंड इनसर जैसे वहाँ पे काम नहीं करता, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट साउंड का आप यूज़ कर पाओगे, और ये पूरी सेटिंग्स इसकी भी आपको वही सेम मिल जाती है जैसे कि बाकी के वायर्ड पार्ट्स में हमें मिलते हैं। और यहाँ पे जो वॉल्यूम पैनल है आपका कुछ इस तरीके से 3 पैनल वाला ही देखने को मिल जाता है, जो पावर मेन्यू है वो भी आपको लेटेस्ट ही यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और जो ऐप ओपनिंग है, ऐप ओपनिंग में थोड़ा डिले तो मिलता है जैसे कि बाकी एंड्रॉयड 11 में मिलता है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी डिले मिलेगा, और हल्के फुल्के लैग्स भी मिलते हैं। हाँ ये है कि हैवी लैग नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो बिल्कुल फुल एनिमेशन के साथ है और अच्छे से ओपन भी हो रहा है, बस वही है कि थोड़ा सा यहाँ पे जो है आपको डिले भी देखने को मिल जाता है। और रैम अगर आप देखोगे मेरा 4GB वाला है तो इसके अंदर 1.6 तक मिल जाता है, या फिर 1.7GB तक जो है आपको फ्री देखने को मिल जाएगा रैम। और एक चीज़ और आपको बता दूँ कॉलिंग के बारे में, तो कॉलिंग के अंदर आपका वॉल्टी काम करे, कैरियर वीडियो कॉल का जो बग है रहेगा, बाकी ब्लूटूथ ऑडियो मीडिया और कॉलिंग दोनों पर काम करता है, वाईफाई कॉलिंग इसके अंदर काम नहीं करेगा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपका वर्किंग मिल जाता है, कॉल रिकॉर्डिंग यूज कर पाओगे, तो इन सब में कोई दिक्कत आपको देखने के यहाँ पर नहीं मिलेगा। और अब बात करें यहाँ पे अगर हम जैसे कि स्क्रीनशॉट लेते हो तो उस पर आप चाहो तो फ्रेम ऐड कर सकते हो, हालांकि अदर डिवाइस का फ्रेम देखने को मिलता है लेकिन आप ऐड कर पाओगे। और एक चीज़ और है कि ऐप ड्रॉअर में जब भी आप जाओगे तो आप देख सकते हो टॉप पे और नीचे भी अगर आप देखोगे तो जो कॉर्नर है वो राउंडेड मिल जाता है और ऊपर के एरिया थोड़ा सा ब्लैक सा देखने को मिलता है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा देखने को मिलेगा इसके अंदर, लेकिन सिर्फ ऐप ड्रॉअर पे ही देखने को मिलता है, बाकी कहीं नहीं मिलता है। बाकी कैमरा इसके अंदर MIUI 11 का मिल जाता है जिसमें आप पोर्ट्रेट मोड शायद तक यूज़ ना कर पाओ, क्योंकि वैसे ये प्रॉब्लम मेरे हिसाब से सबको नहीं आती है, तो कुछ यूजर्स को आ सकती है जैसे कि मुझे आई है, तो यहाँ पे मेरा काम नहीं कर रहा था, बाकी आप में से शायद तक किसी का काम करे। और यहाँ पे डिवाइस वाटर मार्क बाकी रोम किस तरह है यहाँ पे भी आप ऑफ कर लेना, तभी आप पिक्चर क्लिक कर पाओगे, नहीं तो इसी तरीके से क्लोज हो जाएगा तो कैप्चर कर पाओगे। बाकी पैनोरामा मोड यहाँ पे भी काम नहीं करेगा तो इसका प्रॉब्लम रहेगा। और वीडियो क्वालिटी तो ऐसे आपको वही बाकियों की तरह जैसे पहले मिलती थी 4K तक, लेकिन 1080 तक ही सिर्फ रिकॉर्ड कर सकते हो, तो ये आपको मिल जाता है। एंड GCam तो आपका काम करेगा ही, तो आप इंस्टॉल कर लेना GCam को, क्योंकि ये आपका अच्छे तरीके से काम कर जाएगा। और इसके अंदर जो फाइल मैनेजर है यहाँ पर भी चल के आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर जो SD कार्ड है बिल्कुल वर्किंग मिल जाता है, तो SD कार्ड की प्रॉब्लम फिलहाल मुझे यहाँ पर ऐसी कोई देखने को नहीं मिली है। और जो FM है ये वर्किंग मिल जाता है, गैलरी भी इसके अंदर में आपको लेटेस्ट ही मिलती है, यानी कि यहाँ पे स्काई भी दिया गया है, यानी कि जो फिल्टर्स मिलते हैं वो भी लेटेस्ट मिल जाते हैं, और स्काई का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। हाँ ये है कि ओके गूगल का बग इसके अंदर रहता है, ओके गूगल काम नहीं करता है। बाकी फिर नीचे आते हो तो यहाँ पर जो है प्ले स्टोर मिल जाएगा, लेकिन प्ले स्टोर आपको बाय डिफॉल्ट इसके अंदर सर्टिफाइड मिलने वाला है, यानी कि अलग से आपको रूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप विदाउट रूट भी बैंकिंग ऐप यूज़ कर पाओगे। और यहाँ पे आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डर है इसकी क्वालिटी तो हमें उसे 100 Mbps तक की मिल जाती है, बाकी जो फ्रेम रेट है वो 90 Mbps तक देखने को मिल जाता है इसके अंदर। सिक्योरिटी भी सभी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर ज़्यादातर लेटेस्ट ही वैसे मिल जाती, तो यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मिलती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे बात करें इसके रिबूट के बारे में, जैसे कि बताया इंस्टॉलेशन आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो रिबूट जब भी आप रोम फ्लैश करने के बाद जब रिबूट करो तो एक बार पावर बटन होल्ड थोड़ी देर होल्ड करके रखना, फिर से रिबूट होना स्टार्ट कर दे तो छोड़ देना, यानी कि आपको फोर्स रिबूट एक बार कर लेना, रिबूट करने के जस्ट बाद ही आपको एक बार फोर्स रिबूट आपको कर लेना, तभी आपका फ़ोन बूट होगा, नहीं तो बूट होता ही रहेगा, बूट लूप में फंसा रहेगा, तो एक बार रिबूट करने के बाद फोर्स रिबूट कर लेना तो आप निकल जाओगे। बाकी इंस्टॉलेशन डिस्क्रिप्शन पे है। एंटूटू स्कोर 1,48,000 मिला, हालांकि OC है लेकिन फिर भी इतना स्कोर हमें देखने को मिला इसके अंदर में,
और यहाँ पे जो CPU थ्रोट रेट है वो हमें यहाँ पे 91% तक देखने को मिला, जो कि ये काफ़ी ज़बरदस्त है। लेकिन Geekbench स्कोर देखोगे तो ये भी थोड़ा कमी है, 318 मिल जाता है सिंगल में, मल्टी के अंदर 851 तक देखने को हमें यहाँ पे मिल जाता है, कुछ इस तरीके से स्कोर है। अब गेम की बात करें तो गेम टर्बो भी आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है, हालांकि गेमिंग मोड इसके अंदर नहीं दिया गया। बाकी वॉइस चेंजर की बात करें तो ये काम कर रहा है, ईयरफोन के भी साथ भी चेक किया, काम कर रहा था, तो आप वॉइस चेंजर का यूज़ कर पाओगे। फिर यहाँ पे क्वालिटी है जो कि ग्राफिक है, तो स्मूथ पे हाई, बैलेंस पे हाई और HD पे हाई तक मिलता है, तो हम स्मूथ एंड हाई पे खेल रहे हैं। अगर हो सके तो इसके अंदर एक्सट्रीम अनलॉक कर लेना, जो कि 90 FPS वाला पैच आता है, तो उसमें आप 90 FPS सेलेक्ट करो या एक्सट्रीम सेलेक्ट करो, 60 FPS पे ही जो है हमारा चलने वाला, क्योंकि डिस्प्ले हमारा 60 FPS ही सपोर्ट करता है, तो उसमें थोड़ा सा जो आपका FPS है ज़्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि अभी 30 है और फिर जो है 60 FPS के हिसाब से चलेगा, तो काफ़ी अच्छा बेटर हो जाएगा। वैसे गेमिंग आपको ऐसे भी जो है अच्छी मिल जाती, बस आप अनलॉक कर लेना ग्राफिक इसका, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसमें फिर आपको और भी अच्छी जो है परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, जो FPS है काफ़ी बेटर हो जाता है। तो गेमिंग के मामले में अगर मैं बताऊँ तो गेमिंग इसके अंदर हमें अच्छा ही मिल जाता है। और UI के मामले में जैसे कि आपको बताया कि इसके अंदर UI लैग जो है काफ़ी कम है, काफ़ी कम देखने को मिलता है, जैसे कि बताया गया कि कम से कम आप 3 से 4 घंटे यूज़ करो रोम, ज़्यादा बेटर रहेगा। रोम फ्लश करने के बाद 3 से 4 घंटे जब यूज़ करोगे उसके बाद आपको फ़र्क, रियल जो फ़र्क है रोम का, वो आपको देखने को मिलेगा कि पहले जो था उससे कहीं ज़्यादा बेटर आपको बाद में देखने को मिलेगा, 3 से 4 घंटे के बाद में, तो ये चीज़ आपको थोड़ा फ़र्क देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप ट्राई करना जब भी, तो इतना तो है यूज़ करना ताकि आपको पूरी तरीके से यहाँ पे फ़र्क देखने को मिल जाए किस तरीके से काम कर रहा है। तो यही था आज की इस वीडियो के अंदर में, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।